क्वेश्चन वन, पहले ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट फाइव ओम रजिस्टर 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड ए प्लग के ऑल कनेक्टेड इन सीरीज ना। तो देखिए जब एक रहेगा तो सेल क्या रहेगा, जैसे ये आपका एक सेल है ना, एक से ज्यादा सेल कंबाइन करते हैं तो क्या करता है बैटरी करता है, एक कॉम्बिनेशन क्या होगा बैटरी। अब इसके साथ देखिए 5 ओम रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है, 8 ओम रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है और 12 ओम रजिस्टर ना, और एक प्लग के भी सिंबल हो गया। अब क्वेश्चन टू क्या है, क्वेश्चन टू कह रहे कि रीड करा दे सर्किट डायग्राम ऑफ वन ना, ठीक है वन में जो सर्किट डायग्राम बना है इस बना है इसको रीड करा ड्रा करने के पहले कह रहे कि रीड करा दिस सर्किट ऑफ क्वेश्चन वन पुटिंग अ मीटर टू मेजर ए करंट थ्रू द रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर में बहने वाली करंट को मेजर करना है आपको, स्टेप से रीडर करना है तो उस आप इसमें जो है अमीटर आपको जोड़ना है, इस सर्किट में क्या करना है अमीटर जोड़ना है, ठीक है। और वो अमीटर इस स्टेप से आपको जोड़ना है कि ये रेजिस्टर में बहने वाली करंट को मेजर करेगा, आप अपना आंसर दीजिए आंसर दे दो, ठीक है। और क्या करना है आखिर है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर जो कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर इस तरह से कनेक्ट करना है कि ये जो है 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, ठीक है। कनेक्शन आपको वोल्ट मीटर की तरह करना कि 12 ओम में कितना वोल्टेज गिरा इसी को रीड करें, और आगे कह रहे हैं व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर, और अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आपको बताना है ना, अमीटर कितना रीड करेगा बताना है, वोल्ट मीटर की तरह रीड करेंगे बता, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन वन पर ही बेस क्वेश्चन टू है ना, ठीक है। क्वेश्चन वन आप कर चुके हैं, क्वेश्चन टू करना है, तो क्वेश्चन टू क्या है रीड करा दे सर्किट ऑफ क्वेश्चन वन पुटिंग अमीटर टू मेजर करेंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड द वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो चलिए इसको रीड कर रख लीजिए। तो देखिए अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर कैसे कनेक्ट होता है सीरीज, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल है टू अक्रॉस द एलिमेंट्स अक्रॉस सीरीज वी हैव टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए आप इसके सीरीज में एक अमीटर लगा दीजिए बस, तो आप ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम में क्या करते हैं एक हम अमीटर लगा देते हैं, यहाँ एक अमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो अमीटर लगा दीजिए, अमीटर से जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव से जुड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव आपको नेगेटिव लो वोल्टेज को कनेक्ट होगा, तब ये अमीटर क्या करेगा ये अमीटर आपको बैटरी से चलने वाली करंट को बताएगा है, और वही जो है R1 R2 R3 में फ्लो करेगी, ये अमीटर आपका जो है करंट रीड करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ मेजर करना है 12 ओम में, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मेजर करना है इसमें किस एलिमेंट में 12 ओम के एलिमेंट में, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर जो है 12 ओम में जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे 12 ओम में, ठीक है। इसके पहले में जोड़ जाएगा इसके पहले जोड़ दीजिए, ठीक है, और सब कुछ अनचेंज रहेगा या वो मोड दीजिए, ठीक है। आपको रीड हमने इसे में कर दिया आपको रीड करना होगा फिर से बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए आप जो रीडिंग बताना है अमीटर की, तो अमीटर क्या रीड करेगा जो बैटरी से करंट चलेगी उसको रीड करेगी है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब करंट इज इक्वल टू होता है नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस ना, करंट इज क्या होता है नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए करंट रीड बाय एमीटर क्या हो जाएगा, करंट रीड बाय एमीटर, करंट रीड बाय एमीटर, रीड बाय करंट रीड बाय एमीटर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
जुड़े हैं सीरीज में, तो सीरीज में जब जुड़े हैं तो इनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐड हो जाएंगे, है ना जी। करंट आई स्कूल क्या होता है, ई बाई आर नहीं होता है, आई स्कूल क्या होता है, ये फार्मूला सीरीज आपने पढ़ा होगा, आई स्कूल ये अपन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन रेजिस्टेंस, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, जो रेजिस्टेंस होगा नेट रेजिस्टेंस होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ये फार्मूला पढ़ा है ना, है हां तो पहले थोड़ी पढ़े आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पढ़ा है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर पढ़ा है, तो देखिए बी बी इक्वल कितना होता है आई ई के बराबर होता है, पॉइंट सेल हैज नो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, जब सेल कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रखता है तब फिर बी छोड़ यू की होता है, ये अभी सेम होते हैं, देखिए ये छोड़ दो होता है बी प्लस आई आर ये होता है, है तो अगर आर का मान जीरो है ई का मान क्या होगा बी, ठीक है, तो इसलिए ये ई अपन आर लिख देगा, ये तेरे बी ने आप बी जानते हैं बी लिख देगा, ठीक है, तेरे जगह बी अपन आर जानते हैं, ये जानते हैं मोस्ट का, हाँ चले बी अपन आर लिख दे, वैसे ई लिख देगा, ठीक है, तो चले बी क्या होगा बताओ, सम ऑफ वोल्टेज ऑफ थ्री सीरीज, सीरीज में जुड़े हैं, बी क्या होता है वोल्टेज होता है ना, बी क्या होता है अप्लाइड वोल्टेज होता है, तो अप्लाइड वोल्टेज क्या है 2 2 2 2 6 हो जाएगा ना, ये तीनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जुड़ जाएंगे और रेजिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, यह हो जाएगा आपका ये तो हो गया बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जुड़ जाएगी और रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तो बी वन का मान दो है, बी टू मान दो है, बी थ्री का मान दो है, 2 2 2 कट जाएंगे, आर वन का मान कितना मान दो 5 ना, और प्लस 8 और प्लस कितना हो जाएगा 6 अपॉन 25 है, अब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 है और 4 ठीक है ना, 25 टू जा 50 10 बचेगा 0 बढ़ा जाए 100 हो गया तो 25 फोर जा है, तो अमीटर रीड 0.24 एम्पीयर, अमीटर कितना रीड करेगा, रीडिंग ऑफ अमीटर क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ अमीटर रीडिंग ऑफ जो करंट चलेगा वही रीड करेगा, फिर अमीटर कितना रीड करेगा 0.24 एम्पीयर रीड करेगा, ठीक है हां। अब सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन आर थ्री है ना, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर थ्री, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर थ्री ना, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इस वोल्ट के नाम देगा वोल्टेज ड्रॉप इन आर्टरी, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्टरी, तो जैसे इसमें आई करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज कितना गिरता है आई आर, अगर किसी रेजिस्टेंस आर में आई करंट फ्लो करती है तो वोल्टेज कितना गिरती है आई आर ना, तो यहाँ पर आर थ्री रेजिस्टेंस है उसमें आई करंट जा रही है तो कितना वोल्टेज गिरेगी आई आर थ्री न, तो आई आर थ्री यहाँ लिख दीजिए वोल्टेज ड्रॉप इन आर थ्री क्या हो जाएगा आई आर थ्री, तो आई की वैल्यू क्या है 0.24, आर थ्री की वैल्यू क्या है 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 48 ना 48 हो जाए और 24 और 28 हो जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगा वोल्टेज, तो वोल्टेज रेट रेडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ये कितना दे दे हां स्टैंड्स नहीं देते हां सही है आंसर ये दे, हां बताओ समझ में कुछ बता वापस एक्सप्लेन कर दे हां थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर दे, हां देखिए कह रहे क्वेश्चन 2 कह रहे रीड द सर्किट डायग्राम, तो रीड द सर्किट डायग्राम यहां पर जो है पहले रीड द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1 14 एमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड द वोल्टमीटर
है। क्वेश्चन वन में क्या है, केवल तीन सेल है और तीन रजिस्टर है, एक प्लस है, ये सब नहीं है, है ना? क्वेश्चन वन में ये सब नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन टू में जो थोड़ा सा अप्लाइज बढ़ जा रहे हैं, कौन सा अप्लाइज बढ़ रहा है? अमीटर। क्वेश्चन टू में अमीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है। पहले की करंट दिया अमीटर, विच मेजर दी करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर जो है सर्किट में किससे जुड़ता है? सीरीज में, तो हम सीरीज में जोड़ दिए। तो सीरीज में जब जोड़ेंगे तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा। अमीटर में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ेगा, है। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव को देखिए नेगेटिव दे दिया, तो ये आपका अमीटर हो गया, ठीक है। अब अमीटर क्या करेगा, इस सेल से चलने वाली करंट को पढ़ेगा, है। सेल जो करंट चली वो आर वन में बहेगा, आर टू में, आर थ्री में, ये रजिस्टर से आप, तो रजिस्टर में बहने वाली करंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, और दूसरा क्या, वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो वोल्ट मीटर जो है पायल में जोड़ा जाता है, और वहाँ जोड़ा जाएगा जिसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना है, 12 में जो मेजर करना है, किस में करना है? 12 में। तो इसलिए 12 के पहले जोड़ेंगे, अगर 8 में कहते तो 8 के पहले जोड़ते देते हैं, 5 में कहते तो 5 के पहले जोड़ देते, तो 12 के 12 में कहे तो 12 के पहले हम जोड़ देते। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये वोल्टेज निकला सकता है, 12 वोल्ट फिक्स करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन हो गया, अब उसके बाद रीडिंग भी बताना है, अमीटर की क्या रीडिंग है, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल से, ठीक है। हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज जुड़ता है, पॉजिटिव हाई वोल्टेज कहते हैं, लो वोल्टेज लो वोल्टेज, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके आपको क्या करना है, अब इसका जो है अमीटर की रीडिंग पढ़ना है, तो अमीटर की रीडिंग क्या होगी, जो इसमें करंट बहेगी सर्किट में, जो करंट चलेगा अमीटर रीडिंग होगी, सर्किट में करंट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ सेल है इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन ई बी दोनों सेम होते हैं, इसलिए हमने आप पहले बी लिखे थे, इधर बी लिखे, बट राइट एंड ई वन ई टू ई थ्री, क्योंकि सेल है, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर इसके पास इंटरनल सेल नहीं है, इसलिए ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, देखा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये रेजिस्टेंस होता जैसे इसमें होगा, किसमें होगा, इसमें, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रूआउट द सर्किट, है। 1 कूलम जैसे चार्ज को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी कौन देता है, सेल देता है। तो जो एनर्जी खर्च होती है वो सेल के अंदर खर्च होती है, बाहर भी खर्च होती है, तो सेल के अंदर और बाहर दोनों में जो एनर्जी खर्च होती है वो सेल देती है। तो जो सेल 1 कूलम चार्ज को चलने के लिए देगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल होगा। और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, केवल बाहर वाले सर्किट में जो एनर्जी खर्च होती है, हैं, उसको चलने के लिए सेल जो एनर्जी देती है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज है। बी जो है आउटर सर्किट में चलने वाली खर्च होने वाली एनर्जी है, ये जो है पूरे पूरे सर्किट में, सेल के अंदर भी और बाहर भी, सेल के अंदर बाहर दोनों दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर इंसुलेशन जीरो है ई बी दोनों सेम होते हैं, अभी हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो इसलिए ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री लिखा जाएगा। अब ई वन का मान क्या है, मतलब ई वन का मान 2 वोल्ट है, ई वन है, ये ई टू है, ई थ्री है, तो इसलिए 2 प्लस 2 प्लस 2 कर दिया, सीरीज में जुड़ा है और रेस्टर भी सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्वल टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पहले कॉम्बिनेशन में 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री,
सीरीज में आपने तो नहीं बोल दिया, डिवाइड कर दिया करंट का। अब और सेकंड पार्ट है रेटिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर कितना रेट करेगा, और 12 ओम में गिरने वाली वोल्टेज, 12 ओम में गिरने वाली वोल्टेज किसके बराबर होगी, 12 ओम का रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग इन दिस ना, इसका रेजिस्टेंस और इसमें वैल्यू निकालना है। तो रेजिस्टेंस 12 ओम है और करंट आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं चल रहा है, चलिए करो।